शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। इस गुरुवार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास सवाल जिनके जवाब आपको हमेशा की तरह 10 सेकंड में देने होंगे। आज हमारी किडनी की पाठशाला का 10वां अध्याय है जिसमें आज हम आपसे किडनी मरीजों के लिए आहार से जुड़े कुछ सवाल करेंगे और इनका जवाब आपको देना है सिर्फ 10 सेकंड में। स्वागत है आपका हमारे शो किडनी की पाठशाला में, जहां हम आपको किडनी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देते हैं। आज हम किडनी की पाठशाला के एपिसोड 10 में किडनी मरीजों के आहार से जुड़े कुछ सवाल करेंगे जिनके लिए जवाब के रूप में आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे और सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड हैं और आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। शुरू करते हैं हमारा आज का शो किडनी की पाठशाला। शुरू करने से पहले हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अपने शो किडनी की पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो आपको हमने अपने अध्याय 9 में पूछा था। हमारा सवाल था कि किडनी के मरीज अनाज में क्या खा सकते हैं, चावल का आटा, ज्वार का आटा, गेहूं का आटा या फिर डी मक्के का आटा। हमारे सवाल के कई जवाब आए जिसमें से कई जवाब सही थे और कई जवाब गलत। तो चलिए हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है गेहूं का आटा। जी हाँ, किडनी के मरीजों को अनाज में गेहूं के आटे की रोटी का सेवन करना होता है। हमें सवाल के कई जवाब मिले जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं किडनी की पाठशाला के एपिसोड 10 के पहले सवाल की तरफ। सवाल है, किडनी के मरीजों को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं उपमा, इडली, सेवई या फिर ये सभी। इस सवाल का जवाब है ये सभी। जी हाँ, किडनी के मरीज सुबह के नाश्ते में उपमा, इडली और सेवई, इन सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको हमेशा से बताया है कि किडनी के मरीजों को आहार में कुछ भी शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि किडनी के मरीज के आहार उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि सभी किडनी के मरीज एक जैसा आहार ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किडनी के मरीज कौन सी दाल का सेवन कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मूंग दाल, चना दाल, धुली मूंग दाल या फिर मसूर दाल। सही जवाब है धुली मूंग दाल। आप सोच रहे होंगे मूंग दाल और धुली मूंग दाल में क्या फर्क है, तो आपको बता दें कि मूंग दाल छिलके वाली होती है जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए किडनी के मरीजों को बिना छिलके वाली दाल जिसको धुली मूंग दाल कहते हैं इसका सेवन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किडनी के मरीज इसमें से कौन सी चीज का सेवन नहीं कर सकते? आपके ऑप्शंस हैं ए तोरी, बी दही, सी मीट या फिर डी चावल। ये हमारा सवाल जो कि आपके लिए एक होमवर्क है जिसका जवाब आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के लिए हमारे शो किडनी की पाठशाला में बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। अगर आप किडनी की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में कर्म आयुर्वेदा को शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कर्म आयुर्वेदा को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, साथ ही आप किडनी में होने वाली सभी समस्याओं से दूर रहते हैं। कर्म आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कुलवंत सिंह जी को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आ सकती?
नमस्कार दोस्तों, आज एक और पेशेंट से आपको रूबरू कराएंगे जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, जानेंगे उन्हीं की जुबान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ से? न्यू गुप्ता कॉलोनी। अच्छा, तो जब आए थे कुलवंत सिंह जी, उस समय क्या क्या परेशानियां हो रही थी? मेरा क्रिएटिनिन था जी 6 के लगभग, तो उसके बाद पहले तो मैंने इलाज कराया था ये 40 से, तो लेकिन उसके बाद फिर नई बात बनी तो फिर मैं आपके पास आया, तो फिर अब आपकी मेडिसिन 3 महीने खाई है मैंने। 3 महीने खाने के बाद क्रिएटिनिन आ गया 2.6। 40 से जब आपने इलाज कराया था कुलवंत सिंह जी, उस समय कितना क्रिएटिनिन था? उसका मेरा क्रिएटिनिन था जी 6 के आसपास। हाँ, और अभी कितना क्रिएटिनिन आ रहा है? अभी 2.6 है। 2.6 है। बीच में कोई डायलिसिस तो नहीं कराया? नहीं, डायलिसिस नहीं कराया। डायलिसिस की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी। तो 40 में दिखाई आपने ये रिपोर्ट्स? नहीं, 40 में रिपोर्ट नहीं दिखाई। नहीं, जरूरत नहीं पड़ी जाने की? नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। रिजल्ट अच्छा है। 40 में क्या बताया था जब क्रिएटिनिन 6 चला गया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा आप मेडिसिन लीजिए और हो सकता कम हो जाए। डायलिसिस वगैरह का? नहीं, डायलिसिस के लिए उन्होंने भी नहीं रिकमेंड की थी। ठीक है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। इंक्रीज नहीं किया है और साथ साथ डिक्लाइन भी किया है और 6 से 2 की रेंज में भी आया है और डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है कुलवंत सिंह जी को और पहले से फिट है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कुलवंत सिंह जी, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो किडनी के पेशेंट होते हैं और उनको डायलिसिस से जाना पड़ता है और इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि बढ़ता चला जाता है एलोपैथी के बाद बढ़ता जाता है, तो आप क्या उन पेशेंट को मैसेज देना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे जिससे जैसे आपको फायदा हुआ और वो भी वो चीज कर रहा हो? मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास आए, अपना ट्रीटमेंट कराए और अपने को सेहतमंद बनाए। तो लग के उन्होंने फॉलो करा कुलवंत सिंह जी ने, क्रिएटिनिन 6 तक पहुंच गया था और अब जो है वो क्रिएटिनिन का रिड्यूस हुआ है, 2 तक आया है विदाउट डायलिसिस हुआ है। डायलिसिस के प्रोटोकॉल से अभी टोटली बाहर है, पहले डायलिसिस के प्रोटोकॉल के अंदर थे जब 6-7 की रेंज में था और अब उससे टोटली बाहर आ चुके। तो लग के उन्होंने फॉलो करा और आज डायलिसिस से बाहर है, क्रिएटिनिन भी काफी इंप्रूव हुआ है, यानी कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंप्रूव। द बिग क्वेश्चन नाउ इज दैट कि अगर कुलवंत सिंह जी को इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आ सकती, अगर वो भी उसी प्रकार फॉलो करें, सब चीजें प्रोटोकॉल्स फॉलो करें जैसे कुलवंत सिंह जी ने फॉलो करा, जिस प्रकार इन्होंने इस बीमारी को मात दी है उस प्रकार और लोग भी मात दे सकते हैं। जरूरत है तो आपको नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करने की और जिस प्रकार हम गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करें वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कर्म आयुर्वेदा से इलाज लेकर किस तरह ये मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।